आओ आओ राजमाता महारानी कुंती, आओ महारानी कुंती के चरणों में करण का प्रणाम स्वीकार हो और महारानी कुंती का करण के शिविर में भव्य स्वागत है। प्रणाम और धन्यवाद भी, क्योंकि आज पहली बार मैं तेरे द्वार पर आई, तूने मेरा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए भी तेरा शुक्रिया धन्यवाद। अरे तूने मुझे राजमाता कहा, लेकिन आज मैं तेरे मुख से एक अनोखा शब्द सुनना चाहती हूँ। हे जब महाराजा पांडु की महारानी, पांचों योद्धाओं की माँ महारानी कुंती इस मामूली से सूत पुत्र के मुख से क्या शब्द सुनना चाहती हूँ? करण, आज मैं तेरे मुख से अपने लिए एक माँ शब्द सुनना चाहती हूँ, तो माँ? एक बार मुझे माँ कह दे। माँ? मैं? हाँ, सूत पुत्र और महारानी कुंती को माँ? हाँ, तू मुझे माँ कह दे, माँ क्योंकि तू मेरा पुत्र है। माँ तो तुम्हारे पुत्र तुम्हें माँ कहेंगे। मेरे पुत्र मुझे माँ कहेंगे, इसलिए ये आज हक तुझे मैं दे रही हूँ, क्योंकि तू भी मेरा पुत्र है। कौन कहता है? मैं बता रही हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। मेरा पुत्र है करण। तुम माँ हो, पांचों पांडवों की माँ हो, तुम रानी हो, महारानी हो, महाराजा पांडु की महारानी हो, इस सूत पुत्र का तुमसे क्या नाता हो सकता है? नाता है, एक माँ और एक बेटे का नाता है, और वो नाता शायद मैंने तोड़ दिया था, लेकिन आज आज मैं अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आई हूँ, तेरे मुख से एक बार अपने लिए माँ शब्द सुनने के लिए आई हूँ। क्या एक माँ बेटे से नाता तोड़ सकती है? हाँ, क्योंकि समय और मजबूरी हमेशा इंसान का साथ नहीं देती। नहीं। कुछ मजबूरी के कारण तुझे मुझसे दूर होना पड़ा, लेकिन आज आज सारी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी समस्या है, सबको दूर रखकर मैं तुझे अपनाने के लिए आई हूँ, तेरे मुख से मां शब्द। महारानी कुंती से सूत पुत्र की एक छोटी सी बात सुनिए। कहिए करण। मैं एक प्रश्न एक अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। अर्ज? मेरी औकात नहीं है कि सूत पुत्र महारानी कुंती के सामने कुछ प्रस्ताव रखे, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि अर्ज की विनती करता हूँ। विनती नहीं, मुझे अपना छोटा सा एक दास समझ करके, एक मामूली सा सूत पुत्र समझ करके मेरी चार लाइनें जरूर सुन लेना। बिल्कुल, समझ में आए तो जवाब भी दे देना। ठीक है, सुनिए मेरी बात। सुत दानी और माता कह के बोल लाडले दादी। माता कहे के बोल लाडले खट गए से तेरी वाणी, माता कहे के बोल लाडले खट गए से तेरी वाणी। मामूली सूत पुत्र तन कैसे कह दियो माता, सूत पुत्र ना सूत
सुत पुत्र ना सूरज सुत मारा माँ बेटे का नाता सुत पुत्र ना सूरज सुत मारा माँ बेटे का नाता मन क्यों हम दर्दी दिखा रही हो भेद समझ ना आता दिल पे भारी चोट लगी मेरा फट कर जा जाता दिल पे भारी चोट लगी मेरा फट कर जा जाता मन सर नीचा क्यों कर रखा री सर नीचा क्यों कर रखा तू तो पांडव की महारानी पालन किया हाँ। हर रिश्ता बड़ी मजबूती के साथ निभाया लेकिन तू इतना अभागा निकला कि जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया 9 महीने अपने खून से सींचा नहीं उसके बाद भी अपने पास रख भी ना पाई और अपने कलेजे से भी ना लगा पाई और करण तू बात करता है कि मेरे 5 पुत्र हैं नहीं क्या महारानी 6 पुत्र हैं करण कौन मेरी मां कौन मेरे पिता है बता मैं बताऊंगा कि कौन मेरे माता पिता हैं। पिता यदि रते खिलाया राधा ना तो कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया राधा ना तो कुंती सुत मन पेट फाड़ के जाया क्या कह रही हो तुम मेरी माँ हो हाँ क्या मैं तुम्हारा बेटा हूँ हाँ करण तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा खून से सींचा जन्म दिया हाँ फिर तेरी छाती फटी नहीं फिर तेरी छाती फटी नहीं तने क्यों कर में ठुकराया क्वारी ने पैदा करके तू बंगा बीज बहाया रखा हाँ रखा खून से सींचा हाँ जब तक मैं 9 महीने गर्भ में रखा तुमने मावाला एक फर्ज सा निभाया
निभाया। तुमने मुझे जन्म भी दे दिया, हाँ, लेकिन अपने से अलग क्यों कर दिया? बहुत बड़ी मजबूरी है कर्ण। मजबूरी? हाँ। इसका मतलब 9 महीने मुझे गर्भ में रखना तुम्हारी मजबूरी थी? उस वक्त मेरी मजबूरी नहीं थी। खून से सींचना तुम्हारी मजबूरी थी? वो भी मेरी मजबूरी नहीं थी। मुझे जन्म देना भी तुम्हारी मजबूरी थी? वो भी मेरी मजबूरी नहीं थी करण। जन्म देने के बाद मुझे अपने से अलग कर देना तुम्हारी मजबूरी थी? हाँ। इतने दिन तक अपने सीने में ये राज ये भेद छुपाना तुम्हारी मजबूरी थी? इतने दिन के बाद आकर के इस करण को ये राज बताना, इतने दिन के बाद इस करण के पास आकर के करण को ये राज और ये भेद बताना, महारानी कुंती मैं बखूबी से जानता हूं कि आज भी तुम्हारे सामने कोई ना कोई मजबूरी होगी। मजबूरी तो है। आज इस भेद को अगर तूने खोला है तो वो भी एक बहुत बड़ी मजबूरी के कारण तूने खोला होगा। हाँ, ये खोला तो है। ये तो मैं जान गया। जान गया है तो इतनी बात और जान ले कर्ण कि जिन पांचों पांडवों के साथ तू युद्ध करना चाहता है कौरव दल की तरफ से, उस दुर्योधन की तरफ से, वो पांडव तेरे छोटे भ्राता हैं, छोटे भाई हैं और तू उनका ज्येष्ठ भ्राता है। अगर भाई आपस में लड़ेंगे तो एक माँ भेद को तो खोलेगी ही कर्ण, किस तरह से अपने दिल में उस भेद को छुपाएगी मुझे इतना भी बता दे। ये सुन के भारी चोट लगी मेरे जी, तेजी पे क्या बनगी? ये सुन के भारी चोट लगी तो मेरे जी, तेजी पे क्या बनगी? आज मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की माँ बनगी। दिलावने आई अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावने आई, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावने आई। तू तो मेरे दिल पर छुरा मार, तू तो मेरे दिल पर छुरा मार, आज नमक लगावने आई। पांचों पांडव तेरे भाई है मैं न्यू समझावने आई, पांचों पांडव तेरे भाई है न्यू समझावने आई। मांग लिए क्या चाहिए तने, हेरी री 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 री। परेशानी माता कह के बोले लाडले से तेरी वाणी, माता कह के बोले लाडले से तेरी वाणी। समझो
मांगोगी मैं वही दे दूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा? मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, दुर्योधन का साथ न छोड़ूं, मांग ले और बकाया मेरे बेटों की जान। खतरा सिर्फ तुझसे है और किसी से खतरा नहीं है। एक मामूली से सूत पुत्र से इतने बड़े योद्धाओं को खतरा? तू सूत पुत्र नहीं है और ना ही मामूली है। पहली बात तो तू मेरा पुत्र है और दूसरी बात तो सूर्य पुत्र है। अरे जिसके तन पे ये कवच हो ना उसे कोई मार सकता है ना कोई हरा सकता है, और तू चाहे तो पांचों पांडवों को बकस सकता है। मैं पांचों पांडवों की जान क्यों कर बकस दूं? क्योंकि तेरे छोटे भाई है। नहीं, किस तरिया से जान बकस दूं? अगर ऐसी बात है कि तू कैसे बकस सकता है तो वो बातें मैं तुझे बताती हूँ। मुझे मेरे सामने वो पछता हुआ पर्सन खोलो। हाँ बिल्कुल बताऊंगी। बात को गुप्त ना रखो। जो दान में मांगना चाहती हूँ, तेरे पास में 5 बाण है याद है? हाँ। जो परशुराम जी ने तुझे खुश होकर के दे रखे हैं, मुझे वो 5 बाणों को दे दे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं साथियों। ना वो 5 बाण रहेंगे ना 5 पांडवों को मारने वाला कोई होगा। इसका मतलब ये था कि मेरे बेटों की जान बकस देकर ते मन का चाया। हाँ। तुम्हें ना तो बेटे से मतलब है ना तुम्हें माँ शब्द से मतलब है। अरे तुम तो इतनी ताकत रखते हो कि तुम पर कोई भी वार अजमाया जाए अरे दूर हट जाएगा, लेकिन वो 5 पांडव तुम्हारी शक्तियों का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सूर्य निकलने से पहले आइए महारानी कुंती, जाओ ये सूत पुत्र करण, गुरु परशुराम की दी हुई बक्सी हुई वह शक्ति ओबान महारानी कुंती ये करण तुम्हें दान में देता है। शुक्रिया। लेकिन एक दर्द है मेरे सीने में। क्या? कि इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? जिन बाणों पे गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। कितने बेटे हैं तेरे? 6। जब 6 बेटे हैं तेरे, जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? बाणों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है। लेकिन जाओ, जो तुमने मांगा तुम्हें वही मिलेगा, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। दुर्योधन का साथ न छोड़ो, जा मांग ले और बकाया मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहा। धर्म कहानी